तो हमने अभी तक क्या किया? एटम चैप्टर में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के साथ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गीगर मार्दन एक्सपेरिमेंट के साथ। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सेकेंड टॉपिक था इम्पैक्ट पैरामीटर, तीसरा टॉपिक किया बाइंडिंग एनर्जी, चौथा टॉपिक किया रेडियो एक्टिविटी। यहाँ तक हमने किया है। तो अब पहले टॉपिक पे वापस जा रहे हैं। पहले टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या करते थे? अगर कोई अल्फा पार्टिकल आता है और किसी न्यूक्लियस को हिट करता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू टू ई। टू ई क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल है। जेड ई क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज है। डिवाइडेड बाई आर नॉट, और आर नॉट को बोलते थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाफ एम वी स्क्वायर इसके नीचे ले आओ, आर नॉट को लेफ्ट पे ले आओ, हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला था इम्पैक्ट पैरामीटर का, याद ही करने को बोला था। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके बेस पे पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट निकाल लो व्हेन 5 MeV प्रोटोन अप्रोचेज अ गोल्ड न्यूक्लियस। कौन अप्रोच कर रहा है? नॉर्मली अल्फा पार्टिकल करता है, पर ये क्या कह रहा है? कौन अप्रोच कर रहा है? प्रोटोन कर रहा है। तो क्या करेंगे? प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या बनेगी प्रोटोन और न्यूक्लियस की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डी, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड डी, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? ई Q1 Q2 बाय आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। इन्हें इक्वेट करके आर नॉट एक तरफ, हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? के। आपको काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 5 MeV। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लें, 1.6 × 10⁻³¹, और जेड को क्या पुट कर लें? 79। तो जेड पुट कर लें, ई पुट कर दें, के पुट कर दें, 9 × 10⁹। यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया? आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? आर नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। इन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, बहुत आता है ये सीबीएसई के अंदर, रदरफोर्ड की जगह गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट यूज करता है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? फिर से न्यूक्लियस के ऊपर हिट कर रहे हैं, कौन हिट कर रहे हैं? एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? 7.7 MeV, ताकि जब वो रेस्ट पे आ जाए। तो क्या करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डी इंटू टू ई। जेड डी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन है, और टू ई का मतलब एल्फा पार्टिकल का चार्ज है। डिवाइडेड बाई आर नॉट। तो यहाँ से काम करेंगे, आर नॉट निकाल लेंगे, जेड पता है, ई पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है। काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV गिवन है, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻³¹ से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, तो एल्फा पार्टिकल्स हैं और उनकी ये वेलोसिटी पता है, स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड फॉयल, ये रही गोल्ड के साथ हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, और वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो एल्फा पार्टिकल की गिवन है। रूल वही है, जब एल्फा पार्टिकल आएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू एल्फा पार्टिकल के लिए 2E बाय आर नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर नॉट आ गया। जब आर नॉट आया तो आपको एल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो गिवन है। एल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? 2E, और मास क्या है? एम। तो तुम्हें 2E बाय एम की रेशियो गिवन है। तो तुम यहाँ 2E बाय एम की जगह ये रेशियो पुट कर लेना, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ से आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है, मतलब इंडिविजुअली ई और एम नहीं गिवन, तुम्हें टोटल एल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन एल्फा पार्टिकल का मास की रेशियो गिवन है। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहे हैं कि क्या रूल है इसमें? ठीक है, तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2×10⁶ वोल्ट, तो जब कोई अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता है 2e, वी आपको पता है, तो अल्फा पार्टिकल को एनर्जी कितनी मिल रही है, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम चार्ज को पोटेंशियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये एनर्जी मिली। ये एनर्जी अल्फा पार्टिकल को कैसे नज़र आएगी आपको, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब अल्फा पार्टिकल चला था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल थी। अब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, जब उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, वो पास आ रहा है न्यूक्लियस के पास, आते 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 क्या होगा, काइनेटिक घटती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारी काइनेटिक जीरो हो जाएगी और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ऐसे ही है, तो इमेजिन कर लो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 6.4×10⁻³ जूल है, और यही इसकी टोटल एनर्जी है, क्योंकि इस एनर्जी के साथ पोटेंशियल तो जीरो ही है। तो सोचो जब ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, काइनेटिक घटती जा रही है और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहली बात काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बताओ एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फॉयल। तो ए पार्ट तो आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इसके इक्वल है, खत्म होगी कहानी। मतलब इतनी एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को दी थी जिससे वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को हिट करेगा। सेकेंड पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5×10⁻¹ मीटर। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में ये आएगा कि मैं इस डिस्टेंस पे पहले वेलोसिटी निकाल लूँ, फिर हाफ एम वी स्क्वायर से एनर्जी निकाल लूँ। मत निकालना, ऐसे मत निकालना। क्या करेंगे हम, इसमें टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। इमेजिन कर लें ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की टोटल काइनेटिक जब चली थी वो 10 जूल है, और यहाँ पोटेंशियल तो जीरो है। जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल पास आ गया, रुक गया, काइनेटिक जीरो हो गई, पोटेंशियल कितनी होगी, 10 हो गई। बेसिकली काइनेटिक घटती जा रही है, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, और एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सोचो मान लो कुछ डिस्टेंस दूरी पे, मैं ये बता रहा हूँ कि काइनेटिक शुरू में 10 थी, पोटेंशियल जीरो है, मान लो एक मिनट के लिए इस पॉइंट पर काइनेटिक 4 हो गई, या चलो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 4 हो गई, काइनेटिक कितनी हो गई, शुरू में 10 जूल थी, टोटल 10 है, यहाँ आते आते पोटेंशियल 4 हो गई, तो बोलो काइनेटिक क्या हो गई, 6, क्योंकि टोटल 10 ही रहेगी। तो वही समझा रहा हूँ कि आप एक काम करो, इतनी दूरी पे आप पोटेंशियल निकाल लो, 1/4πε0 Ze(α) पार्टिकल का चार्ज 2e/this distance, सॉल्व करके ये पोटेंशियल आ गई। जब अल्फा पार्टिकल चला था टोटल काइनेटिक इतनी थी, कुछ डिस्टेंस दूर जाके पोटेंशियल इतनी हो गई, जब पोटेंशियल इतनी होगी तो इस पॉइंट पर काइनेटिक कितनी होगी, तो तुम इस एनर्जी में से इस एनर्जी को क्या कर दो, माइनस। माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो इतनी ही रहेगी, और अगर टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो बची हुई एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक। तो आइडिया समझ में आ रहा है काइनेटिक कैसे निकलेगी इसमें। और इसके अंदर लास्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर टू विच अल्फा पार्टिकल रीचेस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक कहाँ तक पहुँच पाया अल्फा पार्टिकल, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि उससे ज़्यादा डिस्टेंस तो और क्रॉस हो नहीं पाएगा। तो तुम अगले पार्ट में निकाल देना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आपको निकालना आता है तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देना, यहाँ से आंसर आएगा। ये करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 MeV अल्फा पार्टिकल। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है तो तुम मेगा को जूल में कन्वर्ट कर लो। स्कैटर्ड बाई 90 degrees वेन इट अप्रोचेज अ गोल्ड न्यूक्लियस। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लेना, थीटा को 90 पुट कर लेना, बी की वैल्यू आ जाएगी, डन हो गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे होगा इसमें? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट है ये।